हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी के संभावित कटअप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो आंसर की है उसके आने के बाद संभावित कटअप क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं डीवी के लिए, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दो कमेंट भी आप कर दीजिएगा। आपका कितना नंबर बन रहा है फ्रेंड्स ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर संभावित कटअप प्राइमरी के लिए क्या होने वाली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो संभावित कटअप का अनुमान लगाया है सिर्फ हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बीपीएससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा चौंकाने वाला फैसला आता रहा है फ्रेंड्स, फिर भी हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नंबर से यदि आपके आ रहे हैं तो आपको आगे भविष्य में क्या करना चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कितने नंबर्स की वैकेंसी है ये तो आप जानते ही हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया ये भी आपको पता है। हम डायरेक्ट हम लोगों के कटअप की बारे में बात करते हैं और इतना कटअप आता है फ्रेंड्स तो आपको डीवी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने ये मैक्सिमम कटअप लिया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक नंबर्स का मैंने कटअप लिया है, इससे कटअप कम भी हो सकती है लेकिन ज्यादा जाने की संभावना बहुत कम रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, इससे ज्यादा जाने की संभावना बहुत कम रहेगी लेकिन इससे कम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर यूआर की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं मेल के लिए 78 से 82 नंबर तक जो कट ऑफ है वो जा सकता है, वहीं फीमेल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 72 से 76 तक जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 से 75 जाने की संभावना है और वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो 66 से लेकर 70 के बीच में जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं फ्रेंड्स बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बीसी के लिए आप देख सकते हैं 70 से 74 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस और बीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। वहीं पर अगर 66 की बात करेंगे फ्रेंड्स तो 66 फीमेल की बात करेंगे तो 66 से लेकर 70 तक ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है और 65 से लेकर के 68 के बीच में आपका बीसी जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इधर हम ईबीसी की बात कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ईबीसी की अगर बात करेंगे तो 65 से 69 मेल की कटअप जा सकती है। हालांकि फ्रेंड्स ये मैंने अधिकतम लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है, कम हो सकती है। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 62 से 65 के बीच में जा सकती है। एससी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 58 से 62 के बीच में रहने वाली है और यहीं पर अनुमान हम लोग लगाते हैं 55 से 58 के बीच में फीमेल की जा सकती है, एससी फीमेल की। ठीक है, एसटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 से 54 जाने की संभावना है और वहीं पर 48 से 52 फीमेल एसटी की जाने की संभावना है। फ्रेंड्स जो पेपर का लेवल रहा है ना वो भी मतलब बहुत ही तगड़ा रहा है, वो जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है और टीआरई 2 है उसके सापेक्ष में ये जो पेपर हुआ है वो हल्का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब अगर फ्रेंड्स ये नंबर्स यदि आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स आपके बन रहे हैं, इतने नंबर्स आपके आ रहे हैं तो आपको डीवी के लिए तैयार हो जाना चाहिए और डीवी में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसको बताने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जिसे आप जरूर देखें। ठीक है, जो तैयारी है क्योंकि फूक फूक के कदम रख रहे हैं आप लोग, कहते हैं दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। टीआरई 1-2 का रिजल्ट आपने देखा है, बाद में अभी तक जो है फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं बाहर, तो क्या इसमें 3 में इस बार कैसा है? देखिए आप ये चीजें एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे ऑनलाइन फॉर्म भरता है और जो भी फॉर्म अपलोड करता है उसी को मान लिया जाता है कि सत्य है, इसमें प्राइमा फेसी ही रहता है। तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा, इस तरह का नोटिफिकेशन ऑलरेडी विभाग निकाले हुए है। तो हम लोग कोई भी प्रमाण पत्र को गलत या ये आयोग नहीं ठहरा सकते, उसने जो अपलोड किया है उसको यह मानते हुए कि उन्होंने एफिडेविट सही दिया है उसके आधार पर मेरिट के आधार पर रिजल्ट निकलता है, प्रमाण पत्रों के आधार पर रिजल्ट नहीं होता है। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको आप लोगों ने कहीं से नहीं देखा है, आप लोगों ने जो प्रमाण पत्र दिया उसके आधार पर प्रमाण रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल, लड़के का मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड किया है ये प्रशासनिक भाग देखेगा, विभाग अपना जानेगा, इसीलिए सारा रिजल्ट से शर्त होता है कि अगर आपको गलत पाया जाएगा तो आप कार्रवाई होगी, रिजल्ट से बाहर भी हो जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे चूंकि अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे रिजल्ट को लेकर? मैं तो यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बीपीएससी और आप ट्रस्ट और इंटीग्रिटी पर कहीं कोई डाउट मत करिए, अगर आपके पास मेरिट है तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा
और इधर उधर की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने मेरिट पर, अपनी योग्यता पर भरोसा रखिए और आपको किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होने दिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का अपना। तो फ्रेंड्स आपने क्लिप देख लिया है और क्लिप में ये बता दिया जाता है फ्रेंड्स कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, ठीक है। वो किसी भी हालत में वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता क्या क्या आपको पड़ने वाली है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आधार की बात करते हैं, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर जो होगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपका लिंक होना चाहिए और वो नंबर आपको साथ में लेकर के जाना है। उस पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिकली ओटीपी आएगा उस पर, जब भी बीपीएससी अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेगी तो उस पर वो लोग फिलअप करेंगे तो फिर आपके वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसे सत्यापन करना होगा। तो आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए और आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, चाहे जो भी आप नंबर उसमें दिए हो वो नंबर आपको साथ में लेकर के जाना है। आईडी प्रूफ के रूप में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को ही लेकर के आपको जाना है, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इस तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो जो कम से कम 10 से 15 फोटो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और नंबर चार पे आते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब आपने एग्जाम दिया होगा फ्रेंड्स तो आपके पास एक एडमिट कार्ड रहा होगा जिस पर एक स्टिकर लगा होगा। यदि वो स्टिकर वाला एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप दूसरा एडमिट कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपने डाउनलोड कहीं करके रखा हो या फिर जहाँ पर भी उपलब्ध हो उसे आप लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नंबर पाँचवें पर देखते हैं हम लोग, आपने जो फॉर्म भरा है फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है, प्रिंट आउट आपको करा करके साथ में लेकर के जाना है। वहीं बात करते हैं टेंथ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ऐसे टेंथ के मार्कशीट ऐसे हैं फ्रेंड्स कि उनकी मार्कशीट जिस पर नंबर लिखा हुआ होता है वो अलग होता है और उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है। अब की जो मार्कशीट आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ऐसी मार्कशीट आपको देखने के लिए ऐसी मिलेगी जिस पर सर्टिफिकेट और नंबर्स दोनों एक ही साथ ज्वाइंट होते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। टेंथ की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है और साथ में उसका जो सर्टिफिकेट है अगर अलग है तो साथ में, ठीक है, नहीं है तो आप जो आपके पास टेंथ की मार्कशीट है उसी को आपको लेकर के जाना है। नंबर सेवन की बात करते हैं, उसी तरह से ट्वेल्थ की मार्कशीट आपको लेकर जाना है फ्रेंड्स और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब ऐसे भी ग्रेजुएशन की ऐसी मार्कशीट आ रही है फ्रेंड्स जिसमें सर्टिफिकेट और जो मार्क्स हैं वो साथ में इंक्लूड दिया हुआ होता है, तो आपको सिर्फ उसी को लेकर के जाना है, ठीक है। पीजी स्नातक के लिए मार्कशीट अगर अवेलेबल आपके पास है, यदि आपकी ज़रूरत है जो पीजी के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको पीजी वाला भी जो सर्टिफिकेट है उन्हें भी अपने साथ लेकर के जाना है। वहीं बात करते हैं टेंथ नंबर पर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बीएड, डीएलएड या एमएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। यदि आपने डीएलएड किया है फ्रेंड्स, तो डीएलएड के लिए आपको क्या करना होगा कि जो मार्कशीट आप लेकर के जाना है आपको, ठीक है, डीएलएड की, तो एक आपको ना डिग्री अलग से मिलती है, ठीक है, मार्कशीट के अलावा एक डिग्री भी आती है वो भी आपको लेकर के साथ में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट, बीटेट या एसटेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर के साथ में जाना है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं सीटेट की, ठीक है, तो आपको डीजी लॉकर से वहाँ पर सीटेट की मार्कशीट प्रिंट करवाना है और आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में लेकर के जाना है। और अगर बीटेट या एसटेट की आवश्यकता है फ्रेंड्स, तो आपको पटना जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको एसटेट की मार्कशीट या बीटेट की मार्कशीट को प्राप्त करना होगा, ठीक है, तो उसको साथ में आप लेकर के जा सकते हैं ओरिजिनल वाली, ठीक है। नंबर 12 की बात करते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो जिनके लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, और या तो फिर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर बीसी का, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र जो लागू होगा उसे आपको साथ में लेकर के जाना है। निवास प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेकर के जाना है और एनसीएल, बीसी और बीसी के लिए जो अनिवार्य है एनसीएल, यदि आप आरक्षण का दावा करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको बीसी या फिर ईबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा एनसीएल का उसे भी साथ में आपको लेकर के जाना है। अगले नंबर पर आता है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 13 नंबर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट,
आपको साथ में लेकर के जाना है। वहीं EWS का सर्टिफिकेट यदि जो UR वाले हैं और उन्होंने EWS का दावा उन्हें करना है, जो बिहार के ही कैंडिडेट होंगे तो उन्हें EWS सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर के जाना है। बैंक पासबुक आपको साथ में लेकर जाना है या फिर चेकबुक, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। या तो बैंक पासबुक लेकर जाइए या तो फिर चेकबुक लेकर जाइए, ठीक है। यदि आपका ये बैंक पासबुक SBI का होता है, UBI का होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अदरवाइज आपके पास जो भी जो बैंक अकाउंट है आपका उसका जो पासबुक है उसे आप लेकर के जा सकते हैं। अगले नंबर पाते हैं फ्रेंड्स, ये नंबर्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अगले नंबर्स आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ये 17-18 करीबन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी दस्तावेज पर BPSC वाटरमार्क जरूर होना चाहिए, यानी कि जो दस्तावेज आपने अपलोड किया है फ्रेंड्स ना उस पर BPSC एक वाटरमार्क चिपका देगी, ठीक है। उसे प्रिंट आउट आपको निकलवा करके साथ में लेकर के जाना है और सभी दस्तावेज का 2 प्रति छाया प्रति होना चाहिए, यानी कि 2 छाया प्रति आपका नहीं, सभी जितने भी दस्तावेज आपके होंगे फ्रेंड्स, आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड जो भी होगा उसका 2-2, ठीक है, 2 प्रति में आपको फोटोकॉपी करवा लेना है और उसको साथ में लेकर जाना है और साथ में ओरिजिनल भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ठीक है, या NCL है, तो उसमें उनके पिता का नाम होना चाहिए, ठीक है, पिता का नाम होना चाहिए। यदि उसने पति के नाम वाला डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, तो पति के नाम वाला ही वो लेकर के जाएंगी और साथ में एक नया प्रमाण पत्र भी बनवा लें अपने पिता के नाम पर भी, ठीक है। तो इस तरह से उनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है तैयार करके रख लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो डॉक्यूमेंट क्या क्या जो जरूरी है डॉक्यूमेंट DV के लिए। तो यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स या फिर कुछ कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।